कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी है श्री कृष्ण भक्त करमैती बाई की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला निवासी भक्त शिरोमणि करमैती बाई परम कृष्ण भक्त हुई है, जो कृष्ण भक्ति में अपने गौने की पहली रात ही घर छोड़कर पैदल ही वृंदावन निकल पड़ी। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार 18 दिन भूखी प्यासी रहने के बाद खुद भगवान श्री कृष्ण ने संत वेश में उसे दर्शन देकर प्रसाद ग्रहण करवाया था। भक्तमाल के अनुसार करमैती बाई खंडेला के शेखावत राजा के पुरोहित परशुराम जी की बेटी थी, जो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। 12 वर्ष की उम्र में जयपुर के सांगानेर के जोशी परिवार में विवाह के बाद जब पति गौना करवाने आए तो वैवाहिक बंधन को श्री कृष्ण भक्ति में बाधा जान उन्होंने पहली रात को ही घर छोड़ दिया और पैदल ही वृंदावन को निकल पड़ी। ग्रंथ के अनुसार जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने करमैती बाई को पकड़ने के लिए अपने घुड़सवार पीछे लगवा दिए, जिन्हें देख करमैती बाई एक मरे हुए ऊंट के खोल में छिप गई, जिसमें वह 3 दिन तक रही। जब घुड़सवार निराश होकर घर लौटने लगे तो वह वहाँ खोल से बाहर निकली। इसके बाद वह साधुओं की एक टोली के साथ वृंदावन पहुँच गई, जहाँ वह ब्रह्म कुंड पर कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। जब करमैती बाई के वृंदावन होने का समाचार पुरोहित पिता को मिला तो वे उन्हें लेने ब्रह्म कुंड पहुँचे, जहाँ साधु वेश में ध्यान मग्न बेटी को श्री कृष्ण प्रेम में आंसू बहाती देख उनका हृदय विभाव विभोर हो गया। बेटी की प्रेम दशा देख कर पिता परशुराम भी बेसुध से हो गए। जब करमैती बाई का ध्यान टूटा तो पिता ने घर चलकर श्री कृष्ण भजन करने की बात बेटी करमैती से कही, लेकिन यहाँ आकर कौन वापस गया है भला, ये कहकर उन्होंने पिता को वापस लौटने को कहा। भक्तमाल के अनुसार इसके बाद करमैती बाई ने यमुना नदी से मूर्ति निकालकर भक्ति के उपदेश के साथ पिता को दी, जिसे खंडेला में प्रतिष्ठित कर पिता भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। जब शेखावत राजा को इसकी जानकारी हुई तो वे भी पहले परशुराम जी से मिलकर करमैती बाई से मिलने वृंदावन गए, जहां वह यमुना नदी के पास श्री कृष्ण वियोग में आंसू बहाती मिली। करमैती बाई की भक्ति से राजा का भाव भी भक्तिमय हो गया और हट करके उन्होंने ब्रह्म कुंड के पास करमैती बाई के लिए एक कुटी बनवा दी। फिर वापस घर लौटकर वे भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। खंडेला में बिहारी जी के मंदिर में करमैती बाई द्वारा उस कृष्ण मूर्ति की पूजा आज भी होती है। मूर्ति का महत्व जानने वाले आज भी काफ़ी लोग मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।